Hello everyone, good morning. So today we are going to learn a new drawing and the topic is shades and tints. Let's start our next drawing, shades and tints. So इसको करने के लिए tint shades के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी भी shade में हम white color का add करते करते हम उसको एकदम end तक जाके वो हम उसका एक like see. यहाँ पे हमने ओरिजिनल रेड किया है, इसमें व्हाइट थोड़ा 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 ऐड कर करके एंड में वो क्या जाके बन गया है, बिल्कुल पिंक शेड आ गया है. फाइन. सो वैसे ही हम इसमें और एक ग्रीन का हमें डार्कर टोन लाना है. फाइन. सो हम एक लाइट ग्रीन शेड में थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा कर करके एंड तक हम बिल्कुल डार्क टोन लेकर आएंगे. ब्लैक का ऐड करना है, ब्लैक एंड व्हाइट का इन कलर्स में हमको ऐड करके फिर ये शेड जो है वो हमें बनाना है. सो सबसे पहले हम रेड वाला यूज करते हैं बिकॉज वो लाइट है. सो लाइट शेड ही हम पहले करें तो ज्यादा बेटर है. तो ये रेड कलर जो ओरिजिनल है वो लेकर के और हम ये सेंटर में यहां अप्लाई कर देते हैं. इस तरह से ये रेड किया हमने. अभी वही रेड हम थोड़ा लेंगे, इसके बाद हम रेड कलर एक भी बार नहीं लेंगे. ये रेड कलर लेकर के और इसमें हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा. तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा इससे ये डिफरेंट लगेगा बिकॉज इसमें हमने व्हाइट कलर ऐड किया है. ये रेड ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया है. ओके. सो हमें यहाँ पे टिंट एंड शेड का मीनिंग है कि हमें इस कलर में इस फैन जो फैन की पिक्चर बनी है इसमें हमें अलग अलग ये शेड्स दिखाने हैं. ये देखिए दोनों शेड में फर्क है बिकॉज हमने इसमें वाइट ऐड किया है और फर्स्ट वाले में हमने ओरिजिनल रेड ही डायरेक्ट कर दिया था. अब वापस से हम थोड़ा सा वाइट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे और इसमें फिर से करेंगे. सो ये भी थोड़ा सा इससे अलग हो गया. तो ये भी कंप्लीट. फिर से हम थोड़ा सा व्हाइट लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे. उसी रेड में बार बार हम व्हाइट जो है वो ऐड करते जाएंगे जितनी बार भी ये स्ट्रिप्स आ रही है. वापस से हम व्हाइट लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे और इसमें हम अप्लाई कर देंगे
ये पिक्चर पूरी कलरिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसमें लास्ट में आउटलाइन देंगे। ओके, वापस से हम थोड़ा वाइट लेंगे। और लास्ट वाले में कर देंगे। एंड एंड में जाके हमें पिंक शेड जो है वो मिल गया। ये हमारा डन हो गया है। नाउ ग्रीन कलर की बारी आती है। सो ग्रीन के लिए हम लाइट ग्रीन कलर एक में थोड़ा दे लेते हैं। वाटर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं कलर को। और इस फर्स्ट वाले में हम जो हमारे पास ग्रीन है हम खाली वही करेंगे। एंड नाउ अभी हम इसमें ब्लैक कलर को थोड़ा 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 करके मिक्स करते जाएंगे, जिससे ये इसमें थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी। ये देखिए हमने थोड़ा सा ऐड किया ब्लैक तो हमें सेकंड कलर एक मिल गया, ऑलिव ग्रीन शेड जैसा। वापस से हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो हमें वो बहुत ध्यान से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लेना है, वरना ये पूरा शेड जो है वो बिगाड़ देगा। ये देखिए ऑलिव डार्क ग्रीन हो गया बिल्कुल। वापस से हम थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। वापस हम थोड़ा सा ब्लैक लेंगे एट द एंड। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जिससे दिखने में तो ऐसा लगेगा कि ब्लैक है बट ये डार्क ऑलिव ग्रीन हो जाएगा हमारा शेड। ओके,
सो ये हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ इसमें आउटलाइन के बिना ये ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सो आउटलाइन के लिए तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम इन बॉक्सेस के जो बीच में ये लाइंस है इनको हम आउटलाइन दे देते हैं। आप चाहें तो इसमें मार्कर कलर मार्कर पेन से भी या सीडी मार्कर पेन से भी आप इसमें ब्लैक आउटलाइन दे सकते हो। और अगर आप वाटर कलर से करना चाहो तो आप वाटर कलर से भी कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया ड्राइंग। तो सेम आप ऐसा ही प्लेन बुक में भी बनाएंगे एंड कलरिंग बुक में भी बना के देन इसमें आप आउटलाइन दे देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप ड्राइंग एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू।